एक्टर और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के जूहू स्थित घर रामायण पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया है। 8 मंजिला इमारत के अंदर हुए कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर हुई इस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें तोड़फोड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। बीएमसी की कार्रवाई के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने अधिकारियों के साथ सहयोग किया। उन्होंने कहा, उनके घर में मामूली बदलाव हुए थे, मैंने बीएमसी कर्मचारियों को इस निर्माण को हटाने में पूरी तरह सहयोग किया। वे आगे कहते हैं, हमने ऊपर टॉयलेट इसलिए बनाया था ताकि वर्कर्स उसका इस्तेमाल कर सके। हमें बीएमसी से कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर को उस जगह से फिलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक सांसद के घर में 2 टॉयलेट और 1 पेंट्री का अवैध निर्माण था। 1 टॉयलेट छत पर है और 1 ऑफिस में था। बिल्डिंग में बना पूजा घर भी अवैध निर्माण के तहत आता है। पूजा घर को छोड़कर बाकी सभी अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है। अधिकारियों ने शत्रुघ्न सिन्हा को पूजा रूम शिफ्ट करने को कहा है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जल्द ही पुलिस केस दर्ज किया जाएगा, साथ ही डिमोलिशन के दौरान लगी लागत भी वसूली जाएगी। सिविक अधिकारियों से पता चला है कि उनके पास 3 महीने पहले ये शिकायत आई थी, जिसमें बताया गया था कि सिन्हा ने फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नियमों का मजेदार बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बीएमसी की तरफ से पहला नोटिस पिछले 6 दिसंबर को मिला। नोटिस से ठीक 1 दिन पहले वे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के पार्टी के खिलाफ चढ़े गए विरोध के समर्थन में आए थे। बता दें, जब उनसे पूछा गया कि कहीं उनके घर पर बीएमसी की कार्रवाई यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की वजह तो नहीं, इस सवाल को उन्होंने हंसकर टाल दिया। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।